और पीएनबी घोटाले के बाद ये आवाज तेजी से उठने लगी कि सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। इस पर तो काफी बहस की जरूरत है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज उदय कोटक का मानना है कि आने वाले समय में सरकारी बैंकों का दबदबा खत्म हो जाएगा और प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। उदय कोटक से खास बातचीत की अनुराग शाह ने। आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर अभी जो मार्केट शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का वो 70-30 है और आने वाले 5 साल के अंदर ये 50-50 हो जाएगा। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो भारत के अंदर काफी तेजी से ग्रो करेंगे? भारत बदल रहा है। तीन बड़े मुद्दे हैं। पहले तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर आप देखिए लोन का, तो प्राइवेट सेक्टर लोन ग्रोथ कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर आउट ऑफ द टोटल पॉट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट द एंटायर लोन ग्रोथ डेल्टा। दूसरा, फाइनेंशियल सेविंग्स जो पहले लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में रखते थे अभी फाइनेंशियल एसेट्स में रख रहे हैं। और तीसरा, डिजिटल। और डिजिटल से फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, छोटे डिपॉजिटर, स्मॉल लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। सो ये तीन बड़े चेंज है। इससे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। करंट चैलेंजेस जो है पब्लिक सेक्टर में, उसके लिए थोड़ा अटेंशन इज इन अदर थिंग्स, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ये मौका है टू ग्रो फास्टर। सर, आपने कहा प्राइवेट सेक्टर के लिए मौका है ग्रो फास्टर, तो कौन कौन से जो पॉकेट्स हैं या फिर जो सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को बूस्टअप देंगे? क्योंकि अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में देखते थे कॉरपोरेट लोन बुक है, वो काफी ज्यादा उनकी लोन बुक को बढ़ा देती थी, तो प्राइवेट सेक्टर ने भी उस पर फोकस किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में प्राइवेट सेक्टर का जो फोकस है छोटे रिटेल लोन पे और जो बाकी जो अनटैप पॉकेट्स है वहां पे ज्यादा रहेगा, और वहां जैसे कि आपकी बैंक की थीम भी है कोना कोना तक, तो आप वहां तक पहुंच रहे हैं? कोना कोना ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो स्मॉल लोन्स, स्मॉल बिजनेसेस की लोन्स, रिटेल की लोन्स, साथ में कॉर्पोरेट साइड में भी भारत में अभी भी अच्छे कॉर्पोरेट्स है, ऐसा नहीं है कि अच्छे कंपनी नहीं है, लेकिन अगर ठीक से अंडरराइटिंग या चॉइस करें तो अब भी वहां भी लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सो आप पूरा लेंडिंग अपॉर्चुनिटी देखिए तो रिटेल, कमर्शियल या कॉर्पोरेट, तीनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और आज जब बात करते हैं माइक्रो इंडिया इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा है, जो पहले 3 साल में जरा स्लो था अब पिकअप है, तो ये पिकअप के साथ ये कंबाइंड अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। सर, आपने कहा वापस ग्रोथ जो ये पिकअप हो रही है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ की भी हम बात देखें तो 10-11% पे है, जबकि हम उम्मीद करते थे 14-15% की। तो क्या आपको लगता है इस वापस 14-15% के जो फिगर है क्रेडिट ग्रोथ पे, उसमें आने में कुछ महीने लगेंगे या कुछ साल लगेंगे? मेरे हिसाब से 11-12% भी ग्रोथ हो क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम का, तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। सर, अभी जो हाल के दिनों में कुछ पीएसयू बैंकों के अंदर मामले सामने आए, तो उससे आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनका जो भरोसा है बैंकिंग के ऊपर कम हुआ है, या फिर हम ये कहें कि ये मामले जो सामने आए वो पीएसयू बैंकों के सामने आए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से सब बैंकों को रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करने की जरूरत है, पब्लिक या प्राइवेट। और अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करे तो रिस्क आएगा, कभी किसी को भी आ सकता है। और आज अगर हम सोचें कि सबसे बड़ी रिस्क ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क से भी बेहतर, तो अगर ठीक से ग्रोथ करना है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्राइवेट या पब्लिक। और सर, ये भी कहीं चर्चा होती है, क्योंकि जब आपने कहा भी है कि आने वाले वक्त के अंदर जो प्राइवेट और पब्लिक का जो शेयर है वो 50-50 होगा, तो हम देखेंगे कि जो चर्चा की जाती है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी होगा, तो इससे आप कितना सहमत है, या फिर रिफॉर्म कर दिया जाए तो वो भी अच्छी चीज है? मेरे हिसाब से एक बात मुझे लगती है कि 2019 के इलेक्शन से पहले प्राइवेटाइजेशन मुश्किल है प्रैक्टिकली, तो अगर आपको सोचना भी है तो वो उसके बाद की बात होगी। और तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन हो बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो भी अच्छी चीज़ है।